खास खबर। उत्तराखंड की शांत वादियां अब अशांत हो गई है। पहाड़ में आधी आबादी के साथ हो रहे अपराध की गूंज सुनाई दे रही है। राज्य के हर हिस्से से आए दिन बलात्कार, छेड़छाड़ जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में पौड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दरिंदे ने 20 सड़क पर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस तरह की खौफनाक घटना के बाद से प्रदेश में उबाल बना हुआ है। लोगों ने हंगामा करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। पौड़ी क्षेत्रवासी इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित लोगों और छात्रा के परिजनों ने दरिंदे को फांसी देने की मांग की है। 70% से ज्यादा जल चुकी छात्रा फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पौड़ी में छात्रा के कॉलेज के सभी छात्रों ने कलेक्टर परिसर में घटना का विरोध करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। छात्रों ने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। अगर आरोपी को अभी फांसी की सजा नहीं दी गई तो इन मामलों में और बढ़ोतरी होती जा सकती है। तो MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।